मेरे न्यू ब्लॉग्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग मेरे वीडियो में आगे देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। कौन कलर ले हेलो दोस्तों, देखो मैंने मीशो से ऑनलाइन किया था और अपने लिए ड्रेस, देखो इसमें से क्या निकलता है, अच्छा है कि नहीं। मैं ओपन करती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। लो आप लोग तैयार हो जाओ, देखो ये अभी इसको मैं खोलती हूँ। ये है आगे का, तो आप लोग देख लिया। हेलो फ्रेंड, कैना क्या तो बोला? हेलो बोलो, हेलो हाय बोलो, हाय हाय नीचे बोलो, इधर तक को, इधर अच्छे से यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स बोलो, हेलो आयुष, इधर तक को बहु आया, आया चल बहु, चल बहु वाले चल, अच्छा ना तब हम लोग सब जा रहे हैं दाहा मेला देखने के लिए। और ये मेरा सासू माँ है और मैं हूँ और मेरा हस्बैंड है और आयुष, देखो क्या कर रहे हैं, आयुष भी देख रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। दाहा मेला में दाहा को मिलाया जाता है, बहुत सारे लोग भी है, तो आप लोग भी चलो मेला मेरे साथ। दोस्तों हम लोग सब लगभग आ गए हैं मेले पर, कुछ दूर है, तू खाना खा जा भी, देख मैं वहाँ पर जाती हूँ। और आयुष के पापा बाइक रखने गया है यहीं पर, उनको भीड़ भाड़ में कहाँ पर रखेंगे, इसीलिए तो यहाँ से पैदल ही चलेंगे। और आप लोग को भी दिखाती हूँ, थोड़ा दूर है। और देखो माँ किधर गई और आयुष। फाइनली हम लोग सब मेले पर आ गए हैं और देखो यहाँ पर ज़्यादा लोग अभी नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद वो काफ़ी भीड़ हो जाता है यहाँ पर। तो आप लोग मेरे ब्लॉग्स में बने रहना और देखो इंजॉय करना।
देखो कितना बड़ा दाहा है, और मेले पर देखो गरम गरम जलेबियाँ और लिट्टी और मूढ़ी बहुत सारे है यहाँ पर। देखो कितने बड़ा बड़ा ढकिया में भर के रखा है, और देखो दाहा आया है। ये देखो खिलौने का सामान बच्चों का बहुत मतलब लगा है मेला। और देखो ये आयुष का पापा है, आयुष आयुष के पापा इधर नहीं ताक रहे हैं, उसको आँख में कुछ हो गया है, फूल गया है, तो इसी वजह से वो शर्मा रहा है। देखो कैसे नजरें चुरा रहा है, तो मैं आप लोग को थोड़ा दिखा दिए। मैंने दुकान वाले भैया से जलेबी लिया, और आयुष के पापा ले रहे हैं, तो ये वाला जलेबी लिया कलरफुल, और देखो रेड कलर का येलो कलर का है, और तो वाला मैंने लिया, ये देख रहे हो। तो अंकल वाले भैया इधर तक रहे, और मैंने देखो क्या पहनी है ड्रेस, अच्छा लग रहा है कि नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी था तो पसीना पसीना हो गए। मेरे गांव से कुछ दूर में लगता है ये मेले, दाहा मेले, मुस्लिम का ये पर्व है, तो बहुत सारे लोग भी जाते हैं देखने के लिए। देखो आप लोग देखो कितने सारे लोग हैं और क्या सब हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग देखना। Hola.
और मेले में देखो क्या सब है, कितने रंग बिरंगे पुतले हैं, देखो कितने शिव वाले पुतला है, बहुत अच्छा लग रहा है। आयुष देखो रो रहा था फूके के लिए, लेकिन उसका पापा टीन दिया, तो देखो कितनी अच्छी लग रहा है फूका। और लोग देखो काफ़ी लोग आए, चारों ओर घेर लिया है, तो हम तो साइड में से देख रहे थे। और ये मेरे सासू माँ देखो क्या कर रहे हैं, अरे देखो लोग सब क्या करे, आप लोग देखो अरे यार मेले में कितना सारे लोग था, पसीने पसीने में हो गई, देखो चेहरा भी मैं पोछ रही हूँ, इतना पसीना आ रहे थे से एक भी हवा नहीं चल रहा है बीच में, ऐसा लग रहा था ऐसा, मतलब इतना बड़ा मेले में धूप भी बहुत तेज था, तो इसी वजह से पसीना आ रहे थे। देखो और इन्जॉय करो आप लोग। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर दाहा सारे मिलने जा रहे हैं, एक दूसरे का गले लगेंगे, तो वो अब कार्यक्रम होगा, तो अब लेकर जा रहे हैं दाहा के और उसकी पास, तो अब मिलेगा दाहा, तो आप लोग अच्छे से देखना, आप लोग को मैं सारा चीज़ दिखाऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आप लोग को अच्छे अच्छे चीज़ें दिखाऊंगी, और मैं अपने गाँव में क्या सब होते हैं वो भी देखाऊंगी। देखो दाहा मिल गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी प्यारी लग रहा है, I took them.
और आयुष के लिए कर जा रहे थे हम आयुष के लिए मोबाइल किनने के लिए। आयुष क्योंकि बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे, हैरान कर रहे थे, तो आयुष को पापा हम गए मोबाइल लेने के लिए। जो बोलता है ढूंढ मचले वही वाला मोबाइल आप लोग देखो, तो ये वाला मोबाइल दिया आयुष पापा एक कलर का, तो इसका दाम 50 रुपया था, तो मैंने ले लिया आयुष के लिए। आयुष बोल रहे थे वाटर प्रूफ मोमा दिला दो, लेकिन वो नहीं था यहाँ पर, तो यहीं किन लिए। देखिए अभी भी क्या बोल रहे हैं, इसको अच्छा नहीं लगा ये बोले, तो क्या करेंगे लेना पड़ा। फिर वहाँ से यहाँ पर जमी कूदता है, खेलता है, फानता है लाठी बर्छी बल्ले और क्या सब लेकर, टेंगारी ये सब लेकर कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग था। देखो स्कूल वहाँ पर था, तो वो वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। अब देखो आप लोग कितना सारे लोग आए यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था नहीं का जंगी और का। तो फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो आइस को पापा लेकर आया मेरे लिए आइसक्रीम, और आइस के लिए आइस देखो अभी खा रहे हैं। तो मैंने अपनी सासू माँ को बोले आप भी खाओगे तो वो खा लो, तो वो बोले मैं नहीं खाऊंगी तुम खा लो, तो मैं खा रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस देखो फाइनली प्रोग्राम चल रहा है और लाठी मतलब भाग रहा है और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग देखो। देखो ये सब एक आपस में लड़ रहा है, ऐसे प्रोग्राम चल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं, देख रहे हैं, हम भी पीछे से देखे, मैं आप लोग को भी दिखा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखना। Thank you.
देखते देखते शाम हो गया और काफ़ी रात भी हो गई। देखो अब अंधेरा होने लगा तो अच्छे से नहीं देख पा रहे, और देखो इतनी भीड़ भी पुलिस भी आया था क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं होता। रे लड़ाई झगड़ बहुत सारे गुंडे गारे सब होता है, इसीलिए उनको भी किले पर आना पड़ा। तो देखो क्या करते हैं ये सब। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बड़े लोगों का देखा है इतना सारा भीड़, मैंने पहले कभी इतना भीड़ ये मेला में नहीं देखा था और दूसरे में देखा था, ये मेला कभी गया नहीं था। तो देखो इसके ऊपर कितना बड़ा कंपाउंड है, यहाँ पर भीड़ था बहुत ज़्यादा, अभी भी हो रहा है प्रोग्राम और खाली हो गए। तो इतना ज़्यादा गर्मी था इसी वजह से मेरा चेहरा भी गीला है, मैं उदास लग रही हूँ। तो आप ये देखो आयुष के लिए। देखो आयुष के पापा बर्फ लेकर आया था ऑरेंज कलर का, देखो जैसे जो फूल कर आ रहे हैं वो दिया और मैं उसको भी खिलाए। बहुत ज़्यादा गर्मी था तो इसी वजह से हालत खराब होने लगा। तो मैं अपनी फेस देख रही थी कैसा हुआ, काला पड़ गई हूँ। और आयुष देखो जैसे देखा देखा कि आप लोग को खा रहे हैं, तो हम भी माँ ने उसको मुझे भी दिया तो बहुत खट्टा था, अच्छा नहीं लग रहा था। और वहाँ से हम लोग सब यहाँ झूले पर आए, तो काफ़ी यहाँ पर भीड़ था तो झूले पर नहीं झूले क्योंकि मेरा तबीयत भी ख़राब होने लगा था गर्मी की वजह से, और मैं ऑपरेशन हुई थी इसी वजह से। तो मैं दूर से ही देख लिया झूला, और आप लोग भी देखो काफ़ी झूले तो नहीं था। और देखो यहाँ पर रंग बिरंगे फुलके हैं, कितने प्यारे प्यारे अच्छे लग रहा है, कलरफुल पिंक कलर का। और यहाँ पर देखो चूड़ा का पूजा मिला कर दे रहा था, लेकिन कितने लोग वजह से दाम भी बढ़ गया था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैंने खाया तब से समझा, पहले तो नहीं मालूम था, मैं 10 रुपया के लिया पूजा, अच्छा भी नहीं था। फाइनली हम सब मेले से आ गए घर पर, और देखो मैंने कपड़ा भी चेंज कर लिया है, लाइट ज़्यादा नहीं था, डिम था वोल्टेज, तो इसी वजह से अच्छे से नहीं देख पा रहे आप लोग। तो मैंने वहाँ पर क्या सब लिया है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो गर्मी की वजह से मेरा हालत भी ख़राब हो गया, मैं आयुष के लिए जलेबियाँ लेकर आया था, देखो बाटी में लिया है, और आयुष पापा को दे रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखना मैं क्या सब लिया है। और आयुष के लिए बर्गर लिया है, भूजा लिया है और कुछ नहीं लिया है, और एक बर्गर लिया है। तो आप लोग देखो ये जलेबी कैसा है, अच्छा है कि नहीं। तो कुछ नहीं लिया और ये जलेबी लिया, और आयुष के लिए बर्गर लिया, वो भी अच्छा नहीं था, बालू ज़्यादा पड़ गया था मेले में। तो आयुष थोड़ा खाया और फेंक दिया है, मैंने भुजा लिया था वो भी अच्छा नहीं है। और इसको देखो आँख में क्या हो गया, फूला हो गया, तो इसी वजह से ऐसा खा रहा है, हंस रहा है। तो देखो क्या कर रहे हैं, लग रहा है सुरमा दास है, सुदामा
तो ऐसे करके नाटक करके खा रहे हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में अच्छे से जुड़े रहना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय। अभी इतना बचा है, थोड़ी देर के बाद ये भी सज जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो नहीं खाती हूँ मीठा। मैं अपने लिए कुछ नहीं लिया, भुजा लिया था, वो भी अच्छा नहीं था तो फेंक दिया। तो आप सब घूमने गए होंगे, हम भी गए देख सुनकर आए हैं। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स में बने रहना, मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।